सिंगलों के लिए एक शायरी है, सिंगलों के लिए मेरे पास एक शायरी है कि इश्क के इलेक्शन का उम्मीदवार बनना था मुझे, इश्क के इलेक्शन का उम्मीदवार बनना था मुझे, कमबख्त ने भाई कहकर निर्वाचन आयोग बना दिया। मतलब किस्मत देखो बंदों की, मेरे साथ मेरा एक दोस्त आया हुआ है, उसका नाम उजैर खान है। उसको भैया बहुत मुश्किल से किसी से मोहब्बत हुई थी, बड़ी मुश्किल से, लेकिन जैसी उसको मोहब्बत हुई तो लड़की बोली बेटा दीदी बोला करो। 6 महीने बड़ी हो तुमसे। और फिर उसके बाद बोल रहा है कि यार असलम भाई क्या करूँ यार, थोड़ा खा पी लेता हूँ, क्योंकि लड़कियाँ ना बच्चा समझ कर मुझे हल्के में ले रही। और एक बात और बता दूं, जैसे सिंगल की जो जिंदगी है भाजपा जैसी हो गई है, कि योजनाएं तो बहुत है लेकिन सफल एक भी नहीं हो रही है। मतलब लोगों की जिंदगी में इतना भयंकर कुआरापन है कि एक दोस्त मुझे मिला, बोले यार आज तो मेरे सपने में मेरे बच्चे आए थे। तो मतलब ये क्या क्यों क्या बोल रहे थे? बोले बच्चे आए, बोल रहे थे यार भाई पापा अब तो बता दो शादी कब कर रहा हो यार। और पता नहीं ये कौन लोग हैं जिनके सपने में लड़कियां आती हैं, पता नहीं कौन लोग इनके लड़के में सपनों में लड़कियां आती हैं। भैया मेरे तो को मेरे पता नहीं कहीं गड्ढे में गिर जाता हूँ, कभी भूत उठा ले जाते हैं, कभी क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता क्या होता है। और सिंगल लौंडे मतलब ऐसे बैठे रहते एकदम, उनको भैया सेटिंग करा दो उनकी किसी भी हो, लंगड़ी लूली काली कली सब चलेगी। आज मैं क्या हुआ सुबह अपनी फ्रेंड लिस्ट चेक कर रहा था, मेरी मतलब सिंगल ही हूँ। जल्दी जल्दी में क्या हुआ कि उसको कंफर्म करने चक्कर में रिमूव हो गया। एक लड़की की फ्रेंड लिस्ट आई थी इसलिए। और एक बात और है कि अगर कोई लड़की मेरी तरफ मुस्कुरा के देख लेना तो मैं कम से कम 3 बार अपना चेहरा आईने में देखता हूँ। 3 बार तो मैं देखता हूँ। और पता है अगर किसी को सच्चे दिल से चाहो ना, अगर किसी को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसकी शादी फिक्स कराने लग जाती है। उधर क्या चल रहा है हिंदुस्तान में, उधर अमेरिका ने चांद पर प्लाट काटना शुरू कर दिए, चीन ने शीशे का पुल बना लिया, और हमारे यहाँ के लोग वही पुराने पेड़ पे खुरेद के दिल बना के फिर उसमें फलाने से दिन की निशान दी। और एक दोस्त मेरे साथ बैठा हुआ था तो ये बोला, इसको एक लड़के ने बोला कल कि मैं तुम्हें देख लूंगी, तो ये कल से ही शेरवानी पहन के बैठा हुआ ऐसे। मतलब और एक बात, मतलब उस टाइम पे बहुत गुस्सा आता, बहुत जलन होती है कि जब किसी अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड उसके साथ गले मिलकर ओ मेला सोना बाबू मतलब बोलती, नहीं खुदकुशी करने का मन करता उस टाइम पे। और एक बात, और वो पता नहीं कहाँ मर गई वो लड़कियां जो बचपन में हमारा गाल तोड़ के बोलती थी कि मुझसे शादी करेगा। मतलब अभी तक क्या हुआ कि स्टेशन पे था, मैं स्टेशन पे उतरा तो वहां पे मैं अपने आप का दिल तोड़ने से अपने आप को बचा लिया मैंने। वो एक्सक्यूज मी भैया बोलती उससे पहले मैंने दीदी थोड़ा साइड दे दी, बोल के निकला आया उनके घर से। और एक बात हो रही है कि मतलब कभी कभी ऐसा टेंशन में रहता हूँ, जैसे वो अरिजीत सिंह का गाना मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओ, तो मैंने भी मतलब 2-3 घंटे टेंशन करा उसके लिए, तो बाद में पता चला तो कुछ ही नहीं। मतलब और एक शेर है कि अक्सर तेरी यादें मुझे ऐसे घेर लेती हैं, अक्सर तेरी यादें मुझे ऐसे घेर लेती हैं जैसे रेलवे स्टेशन पे यात्री को 5-7 ऑटो वाले। और एक बात और है कि अभी जैसे लोग जागते रहते हैं रात भर 12-1 बजे तक 2 बजे तक ऑनलाइन रहते हैं, तो अगर गलती से किचन में अगर चले जाओ ना तो बर्तन ऐसे शोर करते जैसे उनकी बहन को छेड़ दिया। और एक बात और अभी शुक्र है कि सिंगल हूँ, शुक्र है कि सिंगल, वरना 10 रुपए के गोलगप्पे भी बांट के खाना पड़ता है।